कुछ नहीं कह पाते। नेक्स्ट डे सभी सेवक राजा की देखभाल करने में लग जाते हैं और किंग विसेरियस ऑटो से कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि आज रात सब मिलकर डिनर करें। फिर ऑटो किंग विसेरियस को वही टी देने लगता है जिसे पीने से राजा मना कर देता है। फिर हम देखते हैं कि ऑटो हाईटावर आयरन थ्रोन पे बैठा है। तभी वेमंड ऑटो हाईटावर के सामने बोलने लगता है। वो कहता है कि मैं हमेशा से लॉर्ड कॉर्लिस के साथ रहा हूँ और कहता है कि मैं अपने वलेरियन राज को खत्म होते हुए नहीं देख सकता और कहता है कि मैं कॉर्लिस का भाई हूँ और मुझे सिंहासन पर बैठने का पूरा अधिकार है। तभी रेनेरा कहती है कि लेनोर के बच्चे भी तो वलेरियन ही हैं। खुद को सिंहासन पर बिठाकर आप असली अधिकारी को रिप्लेस कर रहे हैं। तभी एलिसेंट रहनेरा को बीच में रोक देती है और कहती है कि तुम्हें बोलने का समय जरूर मिलेगा, अब हमें उनकी बात सुननी चाहिए। तभी वेमंड अपने आप को उत्तराधिकारी के रूप में सामने रखता है। फिर रहनेरा की बारी आती है और वो बोलना स्टार्ट ही करती है कि तभी वहाँ पे किंग विसेरियस आ जाते हैं, जिसे देख कर ऑटो और एलिसेंट का तो पसीना ही